हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो इंडिया। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है ये हम सब जानते हैं और वहाँ के हालात क्या हो चुके हैं हम सबको पता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। तब एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी थैले में से कुछ निकाल रहे थे। तब चूहे ने सोचा कि शायद मेरे लिए कुछ खाने का सामान होगा और गौर से देखने पर चूहे को पता चला कि वो एक चूहेदानी थी। तब खतरा भागने पर उसने पीछे से जाकर कबूतर को यह बात बता दी कि इस घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। तब निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। तब मुर्गे ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। तब हताश होकर चूहे ने पड़ोस में जाकर ये बात एक बकरे को बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक से आवाज आई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला, तभी सांप ने उसको डस लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। अब कबूतर पतीले में उबल रहा था, यानी कि वो पतीले उसको कबूतर को मारकर पानी में उबाल रहे थे। खबर सुनकर उस कसाई के घर रिश्तेदार मिलने आ गए। तब कसाई ने उनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काट डाला जो उनके घर में रहता था, और वो कबूतर भी उनके ही घर में रहता था। तब कुछ दिनों के बाद उस कसाई की पत्नी ठीक हो गई तो उसने खुशी खुशी में अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी और उस दावत में बकरे को काटा गया। ये वही बकरा था जिसने चूहे की मजाक उड़ाई थी, लेकिन चूहा अब बहुत दूर जा चुका था। इसीलिए अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है तो एक बार आप जरूर रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक अगर खतरे में है तो पूरा समाज व पूरा देश खतरे में आ जाएगा। और यह बात अफगानिस्तान के संदर्भ में कही जा रही है। बात हल्की नहीं है, बहुत गंभीर है। यदि एक पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो दूसरे पड़ोसी का परम कर्तव्य है कि वह अपनी जान पर खेलकर उस आग को बुझाए, वरना वो आग उसके घर तक पहुंच जाएगी और उसका सब कुछ विनाश कर देगी। अन्य अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।